ये कुपवाड़ा में ना, कुपवाड़ा में बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ पे। नेम पहना है बस फर्क इतना, मेरा ब्लैक है, रंगा ग्रीन है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सेतु सैन, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल, आई एम आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इतने दिन से अपने आप व्लॉग स्टार्ट करते हैं, टाइटल में आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि हम बंगस जा रहे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है बंगस में, से पहले मैं कभी गई नहीं हूँ, तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आप लोग को साथ में एक्सप्लोर कराते हैं। अपने एयरफोन लगा के व्लॉग करूँगी क्योंकि बहुत लोगों को मेरी आवाज़ नहीं जाती है, तो इसलिए सोचा आज एयरफोन लगा के कर लेती हूँ। और अभी मैंने यहाँ से कॉलोनी तक कैब की हुई है, कॉलोनी से आगे हमें जाना है क्या, रानी बाजी मैं है और इरम है और भी उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, तो हम लोगों को जाना है, हम सब लोगों को। तो अभी हम लोग जल्दी से निकलते हैं क्योंकि कैब मेरा बाहर वेट कर रही है। फाइनली इरम के पास पहुंच गई हूँ मैं, और इससे आगे जो भी होगा वो बताती जाऊँगी टाइम 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 पे। तो चलते हैं अभी अंदर। फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये देखो बैग यहाँ पे ऐसे बंद करके रखे हुए हैं। चलो है ना, पीछे रहो, स्कूल चले। गाड़ी से निकाल दी है। अभी हम लोग लालपुर में, जो कि लोलाब से आगे है, थोड़ा सा आगे है, और नाइट स्टे जो भी होगा मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कहाँ पे। फैंसी पार्क है, रिजॉर्ट है छोटा सा, जो ऊपर वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे झूले लगे हुए हैं जो मैं एरम में झूलने की। इट्स वेरी इजी ब्रो, इट्स वेरी इजी। वो बैठी हुई है सीधो। होटल का जो टूर है, रूम टूर है, रूम का, वो मैं थोड़ी देर के बाद दूंगी। पहले हम लोग चाय पियेंगे नीचे जाके, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दूंगी। पहले हम लोग चलते हैं नीचे चाय पीने के लिए। मैं और रूम जा रहे हैं यहाँ पे बैठने के लिए। ये रही आप लोगों की प्यारी इरम। ये काट ही काट, मेरे पीछे बोला कुछ नहीं, नहीं मैंने नहीं, वो मैंने काट दिया। अभी हम लोग पियेंगे चाय, और चाय पीने के अभी हम लोग पता है कहाँ पे, हम लोग लोलाब में हैं आज रात को। और वैसे मैं इस पूरे इसका एक व्लॉग बनाऊंगी, है ना, थक जाती हूँ मैं एडिट कर करके। मैं एक ही व्लॉग बनाऊंगी, इसमें सारा डालूंगी लोलाब। और कहाँ जाना है मैं, बंगस जो भी होगा, जहाँ जहाँ जाऊँगी वो डालती जाऊँगी मैं, आपको देखते जाना। सो गाइज, अभी मैं जस्ट यू नो फ्रेश होके बैठी हूँ, और इरम गई हुई है फ्रेश होने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को अपने रूम का टूर दे देती हूँ, जब तक इरम निकलेगी वॉशरूम से तब तक हम लोग रूम टूर कर लेते हैं। और आई एम टेलिंग यू गाइस, मुझे मैं पहली बार मैंने कुपवाड़ा विज़िट किया है, लोलाब, ये जो जितनी भी जगह मैं आज घूमी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कुपवाड़ा, लोलाब, इन सब जगहों से कौन कौन है, मेरी कितनी फैमिली है इन जगहों से। तो अभी मैं पहले आप लोगों को दे देती हूँ रूम टूर, फिर उसके बाद देखने क्या करते हैं। और हाँ, डिनर भी हम लोगों ने कर लिया है, तो स्टार्ट करते हैं रूम। पहले तो मुझे बाहर का ये एस्थेटिक सा ये लुक बड़ा पसंद आया, सबसे अच्छी मेरे को ये लगी, बड़े प्यारा है, बहुत एस्थेटिक सा लुक। और ये रही मैं, फिर यहाँ से आके हमारा रूम है ये 104, यहाँ से ऊपर हम लोग का डिनर किया था हम लोगों ने। हाँ, ये 104 है, कुछ ऐसा है मेरा रूम अंदर से, जो कि बहुत ज़्यादा अभी मैसी लग रहा है क्योंकि हम लोग चेंज वगैरह हम लोगों ने किया। सो ये है, इधर पे मिल जाएगी ये सब वार्डरोब जिसमें हमने कुछ नहीं रखा है। और फिर ये वॉशरूम है, जो कि आई डोंट थिंक सो वॉशरूम दिखाना ज़रूरी है, बट बहुत ज़्यादा अच्छा क्लीन वॉशरूम है। और ये हम लोगों का लगेज है जो कि बहुत ज़्यादा मैसी है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी यहाँ पर, जयनमाज़ भी रखी गई है, और TV है यहाँ पर, और ऐसे फ़ैन लगा हुआ है वहाँ पर। और ये है बेड हम लोगों का, जिस पर इरम ने अपने कपड़े फेंके हुए हैं बदतमीज तरीके से, ये है कुछ ऐसा, बड़ा प्यारा है। और इसके साथ में कुछ कप्स रखे हैं।
और इतने प्यारे से फूल भी रखे हुए हैं यहाँ पे हम लोगों के लिए। तो ये ग्लास है, कप है, इलेक्ट्रिक केटल है, मेरा चार्जर लगा हुआ है और मेरे को ये पीछे से ये तीन लाइट्स बड़ी पसंद आ रही है। और फिर उसके बाद यहाँ से है इसका कुछ 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 कुछ, कुछ। इधर से बाहर आई डोंट थिंक सो कुछ है कुछ खास। ओए होए खिड़की, यहाँ से खोल के नीचे मिल जाएगा कुछ ऐसा। और वहाँ पे बैठे हम लोगों ने चाय वगैरह पी थी और गप्पे शप्पे मारे थे हम लोगों ने। तो ये कुछ। और इस होटल का नाम है होटल लोलाब वैली और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यू नो बोलते हैं ना एक कंफर्टेबल सी जगह है, घर जैसा फील होता है। और अभी हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है, रूम टूर भी मैंने आप लोगों को दे दिया। अभी देखते हैं मैं और इरम क्या करेंगे, मतलब हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद मैं उसी हिसाब से आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। और ये व्लॉग जो आज मैं ख़त्म नहीं करूँगी, इसको मैं पूरा बंगस का जो ये व्लॉग है ये एक ही में करूँगी, ताकि बस एक ही में करूँगी ठीक है। तो बंगस हम लोगों ने कल जाना है, आज हम लोग लोलाब घूमें, तो उसके लिए तैयार रहें आप सब लोग। फिलहाल देखती हूँ आगे क्या होता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफ दैट सेम व्लॉग। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, होटल से निकल रहे हैं, अभी हम लोग जाएंगे बंगस जाना है ना, पहले हंदवारा जाना है उसके बाद बंगस जाना है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड आज बंगस को देखने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो चलते हैं जल्दी से, और उससे पहले मैं आप लोगों को अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। दिस इज वट आई एम वेयरिंग टुडे और इरम और मैंने सेम पहना है, बस फर्क इतना मेरा ब्लैक है, इरम का ग्रीन है, बाकी वरना हम लोगों का सेम है। उनका इरम वापस आ, ये है इरम का, और इरम हाय बोल दो सबको, मुंह नहीं है हाय। और हम लोग अभी बस निकल रहे हैं यहाँ से, चलते हैं। मैं पहले मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ अच्छे से, और मुझे ये एस्थेटिक्स बड़ा पसंद आए। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं और इरम ने मुझे जूतों का बैग दे दी। और बाय द वे ये है होटल लोलाब वैली जहाँ पर हम लोग रात को रुके हुए थे, और जिन्होंने हमें होस्ट किया वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एक्चुअली, थे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें होस्ट किया। अगर वो मिले आगे कहीं तो मैं आपको दिखाऊंगी उनको भी। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से निकल गए। जिनका मैंने आप सब लोगों को बोला था कि ऐसे ऐसे हम लोगों को जिन्होंने होस्ट किया यहाँ पे कुपवारा में, उनका नाम है शुजात सर, तो इसे मैं आपको मिलाती हूँ। और अभी हम लोग हैं अलबैक में, ये कुपवारा में ना, कुपवारा में बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे ये जगह, और अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है खाना, वो आएगा, तब तक आपको शुजात सर से मिलाते हैं आ जाए। तो ये है शुजात सर जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की कुपवारा में घूमने की, सबको हाय बोलता हूँ। एक बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है मेरी, 60,000 लोगों की, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारे कुपवारा लोलाब सब जगह घूमने की, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और अभी अलबैग भी यही हम लोगों को लेके आए, तो देखते हैं यहाँ का खाना भी कैसा होगा। Just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. तो गाइस हम लोग बंगस पहुंच गए हैं, तो अभी यहाँ पे रानी बाजी को कुछ काम था वो करने के लिए आए हुए हैं, और फिर इसके बाद प्रॉपर बंगस में आप लोगों को दिखाऊंगी। बट अभी हम लोग दूसरी जगह पे बंगस पहुंच चुके हैं और मेरे आई लैशेज हो गए पूरे वाइट, गर्दे से इतना ज़्यादा डस्ट था यहाँ पे रास्ते में। ये देखिए गाइस, और इतनी ज़्यादा अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे इस टाइम, लाइक बड़ा सा ग्राउंड है ग्रीन। नहीं 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 मैं नहीं उतरूंगी, कहाँ से फाइनली हम लोग एक बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह पार करके इधर पहुँच गए हैं, जो मैंने ऊपर आप लोगों को दिखाई थी। और अभी हम लोग बड़े से मैदान में दिखाती हूँ, एक और डेयरिंग चीज़ है इसको पार कर, तो गिरी इसमें, इसमें मछली है, टैडपॉल्स पागल।
वाले, गिर जाओ। नहीं रख इस वाले पे जो आगे, बड़े वाले के आगे है, छोटे के आगे। ब्रो इस पे रखूं? हाँ रख रख, उसके बाद उस पे, इस पे? हाँ इसके बाद छोटे वाले पे, अपना राइट पाँव। किस वाले पे? छोटे वाले पे, ये वाला छोटा। अभी हम लोग चल ही रहे हैं। क्या है ब्रो? ठीक है, अच्छा है, बट बहुत ऊपर से उतरने की जगह ही नहीं थी। अच्छा है, खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। इसमें कुछ पानी पानी के ये हैं और हम लोगों ने जाना है वहाँ वो कैंपिंग साइट पे। थक गई मैं। अच्छा है इसका रोड अगर ठीक होगा ना टाइम उतना। कौन सी नाइट पे आए होंगे? असल में बस इधर एक ही मसला है रोड का, यहाँ से उतरने की मुझे कोई जगह नहीं दिखी। रोड अगर सही होगा ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से गाइस हम लोगों ने फोटोज, और देखो रानी बाजी किस पीछे चल के आ रहे, फोटोज वगैरह भी रील्स के लिए वीडियोस वगैरह ले लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ, और यहाँ से बहुत ज्यादा चल के जाना है। और मैं दिखाती हूँ चढ़ के कहाँ से जाना है, यहाँ से भी और एक बंकस बोल रहे हैं। मुझे लगा ये ब्रिज है कसम खुदा की। हाँ हाँ बनाना है यहाँ पे, अगर वर्क होगा ना वो तू करवा देना वर्क। अच्छा वर्क होगा यार। अभी मौसम बहुत ज्यादा प्यारा हो गया है, अच्छा मौसम हो गया। अरे मैं गिरूंगी पानी में। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी बड़ा सा मैदान था वो तो हम लोग ने देख लिया। मैं दिखाती हूँ, प्लीज पीछे हो जाना आप। ये था इतना बड़ा सा मैदान, ये देख लिया, और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं था खास देखने के लिए। अच्छी जगह है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, बाकी बहुत ज्यादा अच्छी जगह है। अगर इसको तरीके से किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बन जाएगी। मस्ट विजिट प्लेस अगेन। आप लोग पैसे अपने ज़ाया मत करो, हम है ना, हम ज़ाया करेंगे, हम आएंगे घूमने के लिए, फिर आपको बताएंगे क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और इस ब्लॉग को मैं शायद आज ही एंड करूँगी, थोड़ी देर के बाद करूँगी, अंदर जाके करूँगी। तो और आज नाइट स्टे हम लोगों का बंगस में ही है, ठीक है? पैसे को तड़पा रहे हैं गुना। तो मैं घर पहुंच के इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि शाउट आउट भी देना था। तो आज का सबसे पहला शाउट आउट जाता है सानिया सफा को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा सा एक बड़ा सा कमेंट किया, थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, बाकी आप लोग खुद पढ़ लेना। होप्स आर योर्स, यू आर द बेस्ट गर्ल आई एवर सीन, अल्लाह आपको, अल्लाह खुश रखे, आपको कामयाबी दे और साथ ही साथ आपकी फैमिली को भी खुश रखे। आई लव यू सो मच। आपकी जितनी तारीफ करें उतना कम है, तो ये मैं बाकी का कमेंट लगा दूंगी, आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। दूसरा शाउट आउट जाता है अरु जान को, इन्होंने लिखा, आई एम सच अ ग्रेट फैन ऑफ योर वर्क एंड इट इंस्पायर्स मी अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड हुब्जादी, यू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इनटू मेकिंग ब्लॉग्स एंड माशाल्लाह दे आर ग्रेट। बाकी का पढ़ लेना है, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद सबसे लास्ट आता है जारा 786 को, जिन्होंने अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा सा और प्यारा सा कमेंट किया है, मैं साइड पर लगा दूंगी, अब पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, बट आई जस्ट हैव नो वर्ड्स say because I am the person who have seen you growing up from beginning. It's not a comment, it's just I'm expressing my feelings for you. Thank you so much. इतने प्यार प्यार कमेंट्स करने के लिए। अगर आप लोगों को शाउट आउट चाहिए तो मेरे इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, जिनके मुझे कमेंट्स अच्छे लगे उनको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। और इसी के साथ साथ हम इस व्लॉग भी करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। आ गए हैं होटल में। मत कर, दफा मर। इसका वॉल्यूम प्लीज आप कम करोगे अपने इसका। तो होटल का जो